हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सभी ब्रांच के लिए, जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ मैं इसके सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, लॉजिक गेट्स, और इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बूलियन नियम, बूलियन लॉज। और ये हमारा छठवां लॉ है, इन्वर्जन लॉ, छठवां और लास्ट लॉ है। इसके पहले हमने आपको 5 लॉज पढ़ाए हैं, कौन कौन से हैं आइए उनको डिस्कस देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमने आपको क्रम विनिमय नियम, जिसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, साचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड नियम और नियम, ये इतने पढ़ा चुके हैं हमने 5 आपको। और आज हम लास्ट डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्जन नियम, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से इन्वर्जन नियम क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके सिंबल क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स चलिए सभी देखते हैं। चलिए देखिए, इन्वर्जन लॉ नॉट ऑपरेशंस का प्रयोग करता है। नॉट मीन्स नॉट गेट वाला। नॉट गेट वाला क्या होता था, इसमें देखिए क्या होता था, एक ही इनपुट होता था, ठीक है, एक ही इनपुट होता था, ए वाई इज इक्वल टू ए बार, ठीक है, ये है नॉट गेट। तो ये क्या करता है, इन्वर्जन लॉ नॉट ऑपरेशन का प्रयोग करता है, मीन्स ए इन्वर्स वाले ऑपरेशन का प्रयोग करता है। तो देखिए, यदि किसी डिफिनेशन समझ सकते हैं इसको, यदि किसी वेरिएबल का डबल इन्वर्जन किया जाए तो हमें मूल वेरिएबल प्राप्त होगा। देखिए, इसके लिए अभी जो मैंने नॉट गेट लिखा था, y इज इक्वल टू ए बार, या फिर ए इन्वर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसमें इन्वर्स लगाने क्या कहलाता है, इन्वर्जन। और डबल इन्वर्जन क्या कहलाएगा, जैसे डबल इन्वर्जन यहाँ पर 2 लाइन कर दिया जाएगा, ये कहलाएगा डबल इन्वर्जन, ठीक है, क्या कहलाएगा, डबल इन्वर्जन। हाँ ठीक है, आप लोग का मन है सब्सक्राइब करने का तो कर दीजिए, रोक नहीं रहे हैं, जो लोग नए हैं वो कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ से सफलता बिल्कुल भी दूर नहीं, ठीक है, सफलता बिल्कुल भी दूर नहीं। और ये आपको समझ में आया होगा डबल इन्वर्जन। और चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। यदि हम किसी वेरिएबल का डबल इन्वर्जन किया जाए तो हमें मूल वेरिएबल प्राप्त होगा। मूल वेरिएबल जैसे हमने ए का मान 1 माना है, ठीक है, और फिर एक बार हम इन्वर्जन किए, एक बार इन्वर्जन किए तो हमें ए इज इक्वल ए बार या फिर ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमें 0 मिला। और इसे हम फिर से एक बार इन्वर्स करेंगे, डबल इन्वर्जन, तो हमें फिर से बेसिक मूल वेरिएबल मिल जाएगा। मूल वेरिएबल क्या था हमारा, ए इज इक्वल टू 1, तो मूल वेरिएबल फिर से हमको 1 मिल जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं ए, ठीक है, इसको हम ए बोल सकते हैं, गेट दैट। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, ये है इसका फार्मूला, इसको याद रखने का, ठीक है, डबल इन्वर्जन और फिर मूल इन्वर्जन प्राप्त हो जाएगा हमको। देखिए, यदि ए इज इक्वल टू 0 दिया है हमें, ठीक है, ए इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 दिया है, तथा ए का डबल इन्वर्जन इज इक्वल टू 0, अतः आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए ही होगा, क्योंकि देखिए एक बार इन्वर्जन किए तो हमको 1 मिला, डबल इन्वर्जन किए तो हमको फिर 0 मिला, और देखिए 0 इज इक्वल टू ए या फिर ए इज इक्वल टू 0, तो चाहे ए के स्थान पे 0 रखो या फिर 0 के स्थान पे ए रखो, तो हमने यहाँ वाई इज इक्वल टू ए रखा, ठीक है, वाई मान लिए इसको, ठीक है, आउटपुट है, आउटपुट को वाई से ही तो डिनोट करेंगे भैया, ठीक है, तो वाई ये हो गया। अब देखिए, इसका सिंबल भी हमने बनाया है आपको कैसे दर्शाने के लिए, इसका यहाँ एक इन्वर्जन किया गया है, डबल इन्वर्जन, क्योंकि इसमें नॉट गेट का प्रयोग होता है, नॉट ऑपरेशंस का, एक इन्वर्जन किया गया है। देखिए, पहले हमें ए इज इक्वल टू 1 दिया था, 0 दिया था, ठीक है, ए इज इक्वल टू 0 दिया था, हमने इसका एक बार इन्वर्जन किया तो हमको ए इज इक्वल टू 1 मिला, ठीक है, और इसका एक बार फिर से इन्वर्जन किया तो हमें क्या मिलेगा, डबल इन्वर्स मिल जाएगा, और फिर हमको वही बेसिक मूल मिल जाएगा, मूल वेरिएबल 0, ठीक है। तो इसमें बस एकदम ईजी कॉन्सेप्ट था। आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू लाइक देम प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एग्जाम लोग, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। और इसी तरह की वीडियोज़ आपको छोटी छोटी मिलती रहेंगी। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको छोटी वीडियोज़ में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकूँ, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बना रहा हूँ एक टॉपिक की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता है पूरा बैठ के एक साथ देखने का, और उनका मन भी नहीं करता, इसलिए हम एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि जब आपको टाइम मिले तो आप अपना एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो देख के एक कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर कर ले, ठीक है। तो ये था आज से हमारा बूलियन नियम का किस्सा ख़त्म, चैप्टर ओवर। और जल्द ही मिलेंगे इसके बाद एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, वो चैप्टर 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, किसका होगा ये आपको बता दिया जाएगा।
आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको यूनिटी और डिसिप्लिन रखना होगा, ठीक है। यूनिटी और डिसिप्लिन मेंटेन रखना होगा क्योंकि वहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों रहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी एक अच्छे से शो करना है। और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।